हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 जून 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी बड़ी खबरें थी उसी में से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन निकाले और आपके सामने आज मैं पेश कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, बाल साहित्य पुरस्कार 2019 के लिए कितने लेखकों का चयन किया गया है? तो हाल ही में बाल साहित्य पुरस्कार 2019 के लिए 22 लेखकों का चयन किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है बाल साहित्य पुरस्कार की, तो किसके द्वारा यह बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो साहित्य अकादमी द्वारा प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं श्लाका सम्मान, भारत भारती सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार, जो हाल ही में किसको मिला है आपको शायद याद ही होगा, अंग्रेजी के लेखक है, नाम है अमिताव घोष, और हाल ही को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी एकमात्र लेखक बन गए हैं अमिताव घोष, याद रखिएगा। तो बाल साहित्य पुरस्कार जो हाल ही में कितने लेखकों को, 22 लेखकों को इसमें चयनित किया गया, और सरस्वती सम्मान और युवा पुरस्कार भी साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। और युवा पुरस्कार के लिए हाल ही में 23 लेखकों को नामित किया गया है, वो भी आपको याद रखना है। तो यहां बात आती है युवा पुरस्कार की, तो ये देखिए, युवा पुरस्कार 2019 के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है, और इससे रिलेटेड साहित्य अकादमी रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमको याद रखने चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। एक और क्वेश्चन कि वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? जो आप इमेज में देख रहे हैं वह व्यक्ति है चंद्रशेखर कंबार, और वो कन्नड़ भाषा के लेखक है। कन्नड़ में इस व्यक्ति ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था, और हाल ही में यह व्यक्ति यानी कि चंद्रशेखर कंबार, हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित यह लेखक वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता रहा हूं, तो यह वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए, और अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो आपको याद ही होगा कि हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, और इसलिए यह करंट अफेयर में है, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से यह क्वेश्चन निकाला है। तो ये देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो इमरजेंसी है तो हम क्या बुलाते हैं, 108। तो इस तरह 108 अनुच्छेद 108 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि डी सही आंसर है। और यहां पर भी देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एड्रेस्ड टू द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और हाल ही में जब यहां तारीख की बात आती है और संयुक्त बैठक की बात आती है, तो सारे इंपॉर्टेंट जो बात है तारीख है वो मैं आपको बता रहा हूं। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून को शुरू होगा, यह पहली बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, और अनुच्छेद मैंने कौन सा बोला, 108। ओके, तो यह आपको याद रखना है। और 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, और 5 जुलाई को हमारा जो बजट है वो पेश होगा। और कौन बजट पेश करेगा, तो याद रखिएगा, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
यह बजट पेश करने वाले हैं, तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में भाजपा के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, उसमें से तीसरा शब्द सबका विश्वास किस महानुभाव ने जोड़ दिया है, यानी कि सबका साथ सबका विकास और इसके साथ तीसरा वर्ड्स भी जुड़ गया है सबका विश्वास, और वह जोड़ा है नरेंद्र मोदी ने, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह शब्द जोड़ा है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है सबका विश्वास की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में नीति आयोग की एक बैठक थी, पांचवी बैठक बुलाई और उसी में यह शब्द जोड़ा है। क्या बात सामने आई है करंट अफेयर में, तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवी बैठक हुई। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। और यहां बात एक और उठती है नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है, तो हमारे पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और हाल ही के हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार हमारे हाल ही के नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, वो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में किस साल तक तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस को उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में हाल ही में 2025 तक इस प्रकार की, जो हम वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे मनाते हैं, यानी कि उसको हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, तो तपेदिक के उन्मूलन का हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 तक, यानी कि 2025 तक हम इस बीमारी को खत्म करेंगे। और हाल ही में बात आती है तपेदिक उन्मूलन की, यानी कि टीबी की, तो ये देखिए, हर साल वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को हर साल ट्यूबरक्यूलोसिस डे मनाया जाता है। और इस साल में मनाए गए इस वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे की थीम क्या थी, इट्स टाइम एंड टीबी, यानी कि यही वक्त है टीबी को खत्म करने का, हाल ही में इस साल की थीम थी। और यहां बात आती है कि टीबी को खत्म करने की, तो हमारी सरकार ने कौन कौन से लक्ष्य सामने रखे हैं वो मैं आपको बताता हूं। 2022 तक नए भारत का निर्माण करने का लक्ष्य हमारी भारत सरकार ने रखा है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सरकार का लक्ष्य है। और 2025 तक तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2024 तक भारत को $5 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो हाल ही में करंट अफेयर में जो जो हमने लक्ष्य तय किए हैं उस सारे के बारे में मैंने यहां आपको बताया, तो याद रख लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और पांचवा क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, यानी कि आज ही महाराष्ट्र की सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है महाराष्ट्र की, तो ये देखिए, नए मंत्रियों का आज राजभवन में राज्यपाल सी विद्यासागर राव शपथ दिलाएंगे, यानी कि जो भी मंत्री बनता है उसी को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और यहां बात आती है महाराष्ट्र की, तो ये मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में यहां पर स्थित बंबई इसकी कैपिटल है। और महाराष्ट्र के हाल ही के राज्यपाल कौन है, सी विद्यासागर राव महाराष्ट्र के हाल ही के राज्यपाल है। और महाराष्ट्र के हाल ही के सीएम कौन है, तो याद रखिएगा, देवेंद्र फडणवीस हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दिमागी बुखार रोग से 75 बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखदायक
यह घटना की 75 बच्चों की मृत्यु हाल ही में दिमागी बुखार की वजह से हुई है और वो स्टेट है बिहार। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहाँ जब भी बिहार की बात आती है तो बिहार के सीएम कौन है, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। और यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र से रिलेटेड यह क्वेश्चन है तो दिमागी बुखार से 75 बच्चों की मृत्यु हुई है तो हमारे हाल ही के स्वास्थ्य मंत्री जिसका नाम है हर्षवर्धन, वो आज बिहार के मुजफ्फरपुर का जायजा लेंगे। तो याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। और 75 बच्चों में से अधिक मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों से यह मृत्यु हुई है तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री, वो हाल ही में मुजफ्फरपुर की यात्रा पर है। और जब भी बिहार की बात आए तो मैंने आपसे सीएम के बारे में बताया, नीतीश कुमार वहां के सीएम है और बिहार के हाल ही के राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। और बिहार की कैपिटल का नाम क्या है, पटना। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही किस योजना का मकसद लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराना है, तो लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने वाली हमारी सरकार ने योजना लॉन्च की है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना यानी कि PMJ, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, तो किस तारीख को यह योजना लॉन्च की थी, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJ वो योजना लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को। तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा यहां एक और बात कि इस योजना में आम नागरिकों को बाजार से कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जल्द ही देश भर में 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलने के लिए वो तैयारी की है और तकरीबन 1000 जन औषधि केंद्र भी खुल गए हैं। तो इस योजना में आपको इतना याद रखना है। और आठवां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में CICA का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो हाल ही में CICA का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है ताजिकिस्तान में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि CICA इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको अभी बताता हूं CICA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो आप याद रखिएगा CICA, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया CICA का फुल फॉर्म होता है। और भारत की ओर से इस सम्मेलन में किस व्यक्ति ने हिस्सा लिया, तो आप जो इमेज में देख रहे हैं वो पहले हमारे विदेश सचिव थे और अब वह विदेश मंत्री बन गए हैं और उसी ने वहां हिस्सा लिया है ताजिकिस्तान में। तो ये देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां हिस्सा लिया और इस जो 5वां शिखर सम्मेलन था CICA का, उसका आयोजन कहां किया गया, तो याद रखिएगा ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में यह 5वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर FIH हॉकी सीरीज फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो यहां आप जाहिर सी बात है कि हमारे जो हॉकी की टीम है और उसी ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराकर यह FIH हॉकी सीरीज फाइनल्स की खिताब जीत लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है हॉकी की, तो हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट्स गेम है, वो आपको याद रखिएगा। और FI सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां हुआ था, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा हमारे भारत में ओडिशा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट
का आयोजन हुआ था। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया और भारत ने साउथ अफ्रीका को कितने गोल से हराया, 5-1 से हराकर यह टाइटल जीत लिया है। और हाल ही में भारत की पुरुष टीम के हॉकी के कप्तान कौन है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आप जो देख रहे हैं वो हमारे है हॉकी पुरुष टीम के कप्तान, जिसका नाम है मनप्रीत सिंह, याद रखेगा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है हॉलैंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां यदि हॉलैंड ऑप्शन में नहीं लिखा होगा तो नीदरलैंड भी लिखा हुआ होगा, क्योंकि नीदरलैंड और हॉलैंड एक ही देश के दो नाम है, वो आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और नीदरलैंड, तो ये आप पहले मैप में देखिए, ए है नीदरलैंड, यहां पर स्थित है नीदरलैंड, यानी कि यूरोपियन कंट्री के जो देश है यहां पर इंग्लैंड है, और यहां साफ साफ लिखा है हॉलैंड, तो यूरोपियन कंट्रीज में यह हॉलैंड कंट्रीज स्थित है। तो हॉलैंड की करेंसी क्या होगी? तो यूरो जोन में जब देश शामिल होता है तो उसकी करेंसी यूरो हो गई। और हॉलैंड के हाल ही के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रुत्ते, याद रखिएगा, मार्क रुत्ते हाल ही में हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, वो आपको याद रखना है। और द हेग प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है, यानी कि हॉलैंड नीदरलैंड की राजधानी कैपिटल है एम्स्टर्डम, और द हेग है वहां की प्रशासनिक कैपिटल। और नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड के नाम से संबोधित किया जाता है, वो आपको पता चल गया। और 11वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक, और उसमें भारत रहा है 141वें स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और जब भी ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात आती है तो पहले स्थान पर कौन रहा है वो आपको पता होना चाहिए, लास्ट स्थान पर कौन रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, वर्ष 2008 से लगातार अपने प्रथम स्थान पर बना हुआ है आइसलैंड, यानी कि वह फर्स्ट रैंक पर। सबसे ज्यादा अशांतिपूर्ण देश यानी कि सबसे छल्ले लास्ट पायदान पर कौन रहा है? अफगानिस्तान। और अशांतिपूर्ण देशों की सूची में लास्ट में से दूसरे नंबर पर आता है सीरिया। और वर्ष 2018 में भारत का रैंक था, भारत कौन से स्थान पर था? 136, और उसी में से 5 स्टेप फिसल कर वो हो गया है 141वें स्थान पर। तो याद रखिएगा, यह बहुत ही बुरा समाचार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महासागरीय और वायुमंडलीय घटना बड़े पैमाने पर मौसम को प्रभावित करती है? तो हाल ही में हमारे भारत में जब मॉनसून सीजन स्टार्ट हो रही है तो इससे रिलेटेड यह करंट अफेयर में बात है। फिर से मैं पढ़ लेता हूं कि निम्न में से किस महासागरीय और वायुमंडलीय घटना बड़े पैमाने पर मौसम को प्रभावित करती है। एक ऑप्शन है इंडियन ओशन डाइपोल, दूसरा है अलनिनो, और तीसरा है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, यानी कि हाल ही में जब हमारे भारत के मॉनसून सीजन पर ये तीनों जो प्रभावक है इसी का असर पड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा, हाल ही में हमारी मॉनसून सीजन है वो 8 से 10 दिन लेट जाने वाली है, उसका एक कारण है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, याद रखिएगा। और कल के वीडियो के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो कल मैंने आपसे वीडियो में क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्न में से कौन 2019 में भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना, और जो चार कंपनियां थी और उसमें सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना है भारत में डेल, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और सभी दोस्तों को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हेल्थ का नया फॉर्मूला किसने दिया?
और हेल्थ का नया फॉर्मूला देने वाले व्यक्ति को आपको पसंद करना है इस चार ऑप्शन में से, और आंसर देना है मुझे यहां कमेंट बॉक्स में। तो हेल्थ का फॉर्मूला देने वाले व्यक्ति का आंसर यहां आपको लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा, और यदि अच्छा लगा है तो WhatsApp और Facebook के माध्यम से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो राउंड शेप में GK लिखा है वहां पर आप क्लिक करके, अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कीजिएगा। कहां पर बटन दिख रहा है ये देखो, नीचे GK लिखा हुआ है। ओके, कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।